हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और आज मैं आपको बताऊंगा कि पायलट 2000 कैसे यूज़ करते हैं, उसमें फाइल्स कैसे बनाते हैं, प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ये वीडियो है, और जिन लोगों को पता है वो भी आगे और लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो कुछ टॉपिक्स हैं, बट इसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स और इसके बारे में आने वाले हैं, तो वो वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम पायलट 2000 आपको देखने में कैसा मिल जाता है। इसमें काफ़ी सारे बटन्स रहते हैं और काफ़ी सारे फेडर्स रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अपने पायलट 2000 को कैसे कनेक्ट किया है। तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने शार्पी को पावर दिया है और जो ये DMX वायर है, ये DMX वायर हमारा जा रहा है पायलट 2000 कंट्रोलर में। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पायलट को ऑन किया है और ऑन करने के बाद हम इसमें फाइल बनाते हैं। तो कोई भी लाइट है उसमें हमारे को पायलट को बताना पड़ता है कि ये लाइट कितने चैनल की है, कितने इसमें इफ़ेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम इसका लाइट का मैनुअल बुक, जो कि साथ में आती है, हम वो बुक को देखते हैं। तो ये बुक मैंने स्क्रीन पर शो किया। अब जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, टोटल 16 चैनल्स हैं। 16 चैनल्स में सबसे पहले चैनल पर हमारा कलर व्हील, सेकेंड पर है शटर या स्ट्रॉब, थर्ड पे है हमारा डिमर, फोर्थ पे है गोबो व्हील, फिफ्थ पे है प्रिज्म इंसर्शन, सिक्स्थ पे है प्रिज्म रोटेशन, सेवन्थ पे है इफेक्ट मूवमेंट, और एट्थ पे है फ्रॉस्ट, नाइन्थ पे है फोकस, 10 और 11 जो कि पैन के ऑप्शन है, मतलब कि लेफ्ट राइट। तो 10th पे हमारा पैन, 11th पे है पैन फाइन, 12th पे है टिल्ट, और 13 पे है टिल्ट फाइन, 14th पे एक फंक्शन है, और 15th पे है फिर रीसेट, 16th पे आपका लैंप कंट्रोल। तो अब इसी तरह से हम इसमें फाइल जो है इसमें चढ़ाएंगे। तो फाइल बनाने के लिए सबसे पहले हमने जाना है सेटअप में। सेटअप दबाने के बाद, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है डिमर पैच। तो हमारे को डिमर पैच नहीं बनाना, हमारे को फाइल बनानी है। तो फाइल बनाने के लिए हम इसमें अप की दबाएंगे। ये जो डायरेक्शन की है, ये अप में जाकर यहाँ पे आ जाएगा फिक्चर लाइब्रेरी। फिक्चर लाइब्रेरी को हम यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमारे से पूछ रहा है कि आपने एडिट करना है नया फिक्चर, मतलब नई लाइट कोई एडिट करनी है या कोई एग्जिस्टिंग फिक्चर को एडिट करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे न्यू लाइट, न्यू फिक्चर। ओके करने के बाद ये हमारे से पूछ रहा है DMX चैनल्स। तो जैसे कि हमने मैनुअल में देखा था, हमारे पास टोटल 16 चैनल्स हैं। ओके करने के बाद हम यहाँ से डायरेक्शन की से इसमें 16 कर देंगे। तो 16 चैनल्स हमने यहाँ पे ले लिए हैं। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे हमारे से पूछ रहा है LCD इफेक्ट नेम। तो LCD इफेक्ट नेम हम यहाँ पे 2 रखेंगे। 2 करने के बाद ओके कर देंगे। अब जैसे जैसे हमारे मैनुअल में है, हम वैसे वैसे यहाँ पे नाम चढ़ाने शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम रख लेते हैं यहाँ पे कलर। आप इसको किसी भी तरह रख सकते हैं, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे कलर को COL भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन की से ही आपने जो है अल्फाबेट चूज करना है, और राइट डायरेक्शन की से जो है आपने स्पेस यूज करना है। तो फर्स्ट पे आ गया हमारा कलर। आपने फेडर के साथ साथ ही नाम को लिखना है। जैसे फर्स्ट फेडर के सामने जो है हमारा कलर आ गया, अब सेकंड फेडर के सामने हमारा आएगा शटर। तो शटर को आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। मैं लिख रहा हूँ SHT। तो आप इसको शॉर्ट में लिखिए, शॉर्ट में ज़्यादा बढ़िया रहेगा। थर्ड पे हमारा आ जाएगा डिमर। फोर्थ पे हमारा आ जाएगा गोबो। आप ये जरूर ध्यान रखिए ताकि आपको बाद में भी परेशानी ना हो, जो भी आप नाम सेट कर रहे हैं वो आपके फेडर के सामने होना चाहिए।
किसी और फेडर के आगे सामने नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पे आ जाता है हमारा प्रिज्म। और इसी तरह से जितने भी चैनल्स हैं अपने नाम जो है इसमें डालते रहना। सिक्स्थ पे जो है हमारा आ जाता है प्रिज्म रोटेशन, तो हम इसको कर देते हैं पी आई इंसर्शन के लिए और इसको कर देते हैं पी आर। इसके बाद सेकंड पेज पे जाने के लिए यहाँ से ओके दबा दीजिए। ओके दबाने के बाद अब हमारा सेवन्थ से हम शुरू करेंगे। छः फेडर्स हमारे कंप्लीट हो गए थे, अब हम सेवन्थ फेडर पे आ गए हैं सेकंड पेज पे। तो सेवन्थ पे हमारा इफेक्ट, एट्थ पे हमारा फ्रॉस्ट, नाइन्थ पे हमारे पास फोकस, टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन। फोकस के बाद हम यहाँ पे पैन टिल्ट जो है वो यहाँ पे नहीं इनपुट करेंगे, क्योंकि हमारे को वो जो है उसका कंट्रोल यहाँ पे जॉयस्टिक पे या फिर डायरेक्शन की पे चाहिए होगा। तो अभी हम यहाँ पे हमारे पास तीन फेडर बचते हैं, तो हम लास्ट के तीन ऑप्शन जो हैं जैसे कि फंक्शन, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैंने एफ आगे इक्वल टू का साइन लगा दिया क्योंकि ये मेरा फंक्शन जो है ये यूज़ नहीं होने वाला ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका रीसेट, रीसेट को आप रीसेट भी लिख सकते हैं, खाली आर भी लिख सकते हैं। लास्ट में आ जाता है आपका लैंप कंट्रोल 16 नंबर पे। तो ये हमने चैनल्स के सारे नाम सेट कर दिए हैं। ये सेट करने के बाद हमने ओके दबाना है और फिर दो बार एस्केप दबाना है बैक बटन। एक बार और बैक बटन दबाएंगे तो यहाँ पे वापस एलसीडी इफेक्ट नेम आ गया। अब इसके आगे देखेंगे क्या ऑप्शन और मांग रहा है ये। अब ये पूछ रहा है चैनल पैच, तो जैसे हमने मैनुअल में चेक किया था कलर जो है हमारा फर्स्ट नंबर पे हमने वैसे वैसे ही सेट कर देना है। शटर जो है हमारा सेकंड नंबर पे, तो हमने यहाँ पे 2 लिख देना है। डिमर हमारा 3 नंबर पे है, तो हमने 3 लिख देना है। गोबो हमारा 4th पे है, तो 4 लिख देना है इसमें। प्रिज्म इंसर्शन जो है हमारा 5th पे है, तो 5 कर देना है इसमें। प्रिज्म रोटेशन जो है वो हमारा 6th पे है, तो 6 कर देना इसमें। ये कंप्लीट करने के बाद आपने ओके दबाना है। ओके दबाने के बाद इफेक्ट जो है हमारा ये 7th पे है। इसी तरह से आपके जितने भी ये सारे ऑप्शंस हैं आपने उनके नीचे उनकी वैल्यूज़ डाल देनी है। यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि हमने जो 9 के बाद 10, 11, 12 और 13 चैनल जो है हमने यूज़ नहीं किया था, तो हम यहाँ पे फंक्शन में जो है 14 डालेंगे। रीसेट हमारा 15 पे है, लैंप कंट्रोल जो है हमारा 16th पे है। तो ये अब हमने सारा सेट कर दिया है। इसके बाद वापस बैक जाना है
बैक जाने के बाद चैनल पैच हम सेट कर चुके हैं। चैनल पैच के बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ रहा है स्टैंड बाय वैल्यूज़। स्टैंड बाय वैल्यूज़ को हमने ज़ीरो कर देना है, सारे फेडर्स को एक बार ऊपर उठा के नीचे गिर देना है और ज़ीरो कर देना है। ऐसे ही सेकंड पेज पे भी हमने इसको ज़ीरो कर देना है। इसके बाद आ जाता है इफ़ेक्ट टाइप। इफ़ेक्ट टाइप में हम जो है डिमर और शटर को जो है यहाँ पे इफ़ेक्ट की जगह यहाँ पे हम कंट्रोल करेंगे डिमर से, ताकि ये हमारा जो है यहाँ पे मास्टर फेडर पे आ जाए। इसके बाद आ जाता है पैन टिल्ट। तो पैन हमारा जो है वो 10 नंबर पे है, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। यहाँ पे हम पैन फाइन डाल देंगे 11 नंबर। यहाँ पे हम टिल्ट की वैल्यू डाल देंगे 12 नंबर। यहाँ टिल्ट फाइन डाल देंगे 13 नंबर। तो ये तो अभी हम मैनुअल बुक के हिसाब से ही चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फिक्स्चर नेम सेट करेंगे, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। जैसे मैं इसको रख देता हूँ शार्पी SLV। जिस कंपनी की शार्पी है आप उस कंपनी का नाम डाल सकते हैं। ताकि जब आप बाद में ज़्यादा फाइल्स बना लें तो आपको ढूंढना आसान रहे। आप इसमें 5R, 7R जो भी आप नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। अभी हमारे पास जो शार्पी है ये SLV की 7R शार्पी है, तो हम इसको शार्पी SLV 7R नाम से सेव कर रहे हैं। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद वापस बैक बटन दबाएंगे। तो अगर आप ये बैक दबाकर वापस सही आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी फ़ाइल सही सेव हो गई है। इन केस अगर आपके पास यहाँ पे कुछ एरर लिखा आ रहा है तो मतलब कि आपने कोई ना कोई वैल्यू जो है वो गलत डाली है। तो अभी हमने सारी वैल्यू सही डाली है, तो हमारी फ़ाइल जो है बन चुकी है। अब इसके बाद हम वापस सेटअप का बटन दबाएंगे। सेटअप के बटन में अब हम जाएंगे फिक्स्चर पैच में, क्योंकि अब हमारी फाइल जो है इसमें बन चुकी है। अब हमने पायलट पे असाइन करनी है कि हमने कितने नंबर पे कौन सी शार्पी रखनी है। ये जो जितने भी बटन्स हैं यहाँ पे, सारे बटन्स पे हम जो है लाइट्स अपनी असाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पहले नंबर पे अपनी शार्पी असाइन करता हूँ। फिक्स्चर पैच, ओके। फर्स्ट बटन यहाँ पे आपका देखिए, आप लाइट जग गई है। सेकेंड पे अगर मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, सेकेंड पे जाऊँगा, थर्ड पे जाऊँगा, तो वैसे वैसे लाइट जगती रहेगी। तो मैंने फर्स्ट नंबर पे सेट करना है। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो शार्पी SLV 7R अप डाउन की से यहाँ पे फिक्स्चर टाइप सिलेक्ट करना है। फिक्स्चर टाइप सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको एड्रेस देना है, DMX एड्रेस जिसको बोलते हैं, ताकि हम इस लाइट को कंट्रोल कर पाए। तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस जो है हम अपना 50 रख लेते हैं। 50 से पहले के जितने चैनल्स होते हैं ज़्यादातर वो डिमर चैनल्स यूज़ होते हैं, तो हमने इसको 50 रख दिया है। आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो एड्रेस आप डाल रहे हैं स्टार्टिंग एड्रेस, वो हमेशा ऊपर आएगा, फ्रॉम टू। ये अपने आप डिसाइड करेगा कि वो कितने चैनल की लाइट है और उस हिसाब से वो टू का। अब ये जैसे 16 चैनल की लाइट है, तो 50 से 65 मतलब हमारे 65 तक चैनल एक फिक्स्चर ने ले लिए हैं। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद वापस सेटअप का बटन दबाएंगे। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारी लाइट की जो फाइल है ये सेट हो गई है या नहीं। अगली चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो आपकी लाइट है उसमें भी आपने एड्रेस सेट करना है। जब भी आप कोई नई लाइट लेते हैं तो हमेशा उसमें जो एड्रेस है वो 001 रहता है। तो आपने यहाँ पे मेन्यू का बटन दबाना है। मेन्यू में यहाँ पे फंक्शन में आपने जाना है। वर्क मोड आपका DMX रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा DMX एड्रेस, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने पायलट में जैसे कि यहाँ पे 50 नंबर सेट किया था, तो यहाँ पे भी आपने 50 कर देना है। अप डाउन की से आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं। 50 करने के बाद ओके कर देना है और इससे बाहर आ जाना है। अब हम चलते हैं वापस पायलट की तरफ और चेक करते हैं कि ये हमारा जो शार्पी है ये कंट्रोल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं आपके सामने जो है शार्पी, और ये मैंने पायलट से कनेक्ट कर दी है। इसमें एड्रेसिंग भी मैंने कर दी है, 50 नंबर मैंने एड्रेस रखा है
और पायलट में जो है यहाँ पे फर्स्ट स्विच पे मैं इसको ले आया हूँ। DMX लीड मैंने जो है ये वायर लगा दी है, ये शार्पी के अंदर जा रही है। तो अब हम यहाँ से दबाएंगे सबसे पहले फिक्स्चर, फिक्स्चर दबाने के बाद हम यहाँ से दबाएंगे फर्स्ट बटन क्योंकि हमारा पहले नंबर पे है शार्पी। तो यहाँ से हम जॉयस्टिक को घुमा के एक बार पहले मूवमेंट चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मूवमेंट कर रही है, अगर मैं इसको लेफ्ट राइट घुमा रहा हूँ तो ये लेफ्ट राइट जा रही है, अप डाउन दबा रहा हूँ तो ये अप डाउन जा रही है। यहाँ से डिमर शटर भी हम चेक कर लेते हैं। डिमर और शटर जैसे कि हमने ऑन किया तो इसकी जो लाइट है वो ऑन हो गई है। यहाँ से मूवमेंट हम इनको बटन्स को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारी लाइट है ये प्रॉपर वर्किंग में आ गई है। प्रोग्रामिंग बनाने के लिए आपने सबसे पहले जाना है यहाँ पे प्रोग्राम बटन में, प्रोग्राम बटन सिलेक्ट कर लेना। प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद आप जिस भी नंबर पे इसको प्रोग्राम बनाना चाहते हैं आपने वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने फर्स्ट नंबर सिलेक्ट किया है, फर्स्ट नंबर पे प्रोग्राम सिलेक्ट करना। इसके बाद हमने जाना है एडिट में। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे लेंथ हमेशा ज़ीरो रहनी चाहिए, ओके दबा देना है। ओके दबाने के बाद हमने जाना है एडिट सीन में, एडिट सीन को ओके करना है। ओके करने के बाद जो भी आप शार्पी की मूवमेंट चाहते हैं, हमने यहाँ पे जैसे डिमर शटर ऑन कर दिया, जो भी आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं जैसे कलर वगैरह कुछ भी रखना चाहते हैं, सपोज मैंने ये पिंक कलर कर दिया है, इसके बाद मैं दबाऊंगा ओके, एक बार दोबारा दबाऊंगा ओके। यहाँ पे हमारे पास कुछ शेप्स ऑलरेडी इसमें रहती हैं पायलट में, तो जैसे आप सर्कल में घुमाना चाहते हैं या ज़िगज़ैग घुमाना चाहते हैं तो आप यहाँ से रेडीमेड शेप्स भी ले सकते हैं। तो शेप में जाएंगे, हमने जैसे यहाँ पे सर्कल चूज़ किया, एक्स वाई की वैल्यू ज़ीरो कर देनी है पहले ताकि एक्यूरेसी रहे आपके प्रोग्राम में। इसके बाद जिस साइड को भी आप मूवमेंट चाहते हैं यहाँ से डायरेक्शन की से आप लाइट को सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद अब यहाँ से हम एक्स यानी कि लेफ्ट राइट कितनी घूमनी चाहिए वो डिसाइड करेंगे। यहाँ से वाई, वाई मतलब कि हमने अप डाउन इसको कितना घुमाना, कितना बड़ा सर्कल बनाना, ये स्पीड है, आप यहाँ से स्पीड सेट कर लीजिए। जैसे कि अब मैं कहता हूँ कि इसकी स्पीड थोड़ी सी और बढ़ जाए तो मैं यहाँ से स्पीड इसको ज़्यादा कर सकता हूँ। जब आपको लगे कि आपको जो मूवमेंट चाहिए थी शार्पी में वो आ गई है, अब इसको सेव करने के लिए स्टोर का बटन दबाइए। स्टोर को दबाई रखना है और साथ में दबाना है वन। तो ये हमारा एक सीन सेव हो गया। अभी ये हमारा सीन सेव हुआ, अब इसको प्रोग्राम कैसे सेव करना है, प्रोग्राम सेव करने के लिए दबाना आपने एडिट और एंटर। एडिट और एंटर दबाने के बाद अभी हमारा जो पहला प्रोग्राम है ये सेव हो गया। अब अगर हम इसको बंद करते हैं ये शार्पी मूवमेंट करना बंद कर देगी, वापस से अगर पहला प्रोग्राम दबाएंगे तो जो हमने प्रोग्राम सेव किया था उस प्रोग्राम के हिसाब से शार्पी चलनी शुरू हो जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बनाने का तरीका। इसी तरह से आप और भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी पायलट 2000 के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।